नमस्ते साथियों, आज का अपना टॉपिक तत्व यौगिक एवं मिश्रण एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सर के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये तीनों के तीनों पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। सब्सटेंस जिसको आप मैटर कहते हैं तो उसके अंदर आते हैं। तो पहले हम बात करेंगे पदार्थ क्या है। इस पदार्थ को हमने भौतिक और रासायनिक दस्ते से अलग अलग डिवाइड किए, फिर उसके अंदर तत्व यौगिक और मिश्रण के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, पदार्थ की। देखो क्या लिखा है, पदार्थ जिसको हम सब्सटेंस। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी, इसी पदार्थ के लिए हम एक शब्द काम में लेते हैं, द्रव्य। अब आप में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि दो शब्द को समझना है, द्रव्य और द्रव। द्रव्य मतलब पदार्थ है और द्रव का मतलब पदार्थ की एक अवस्था, जिसके बारे में आप जिसको लिक्विड कहते हो। तो सबसे पहले पदार्थ या द्रव्य किसे कहते हैं, तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा उसमें द्रव्यमान होता है उसे हम पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। जैसे ये मार्कर ही है तो इसमें एक इसको कहीं पर भी रखोगे तो ये स्थान क्षेत्रफल को घेरेगा, प्लस इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा उसमें द्रव्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और इस पदार्थ को भौतिक एवं रासायनिक दृष्टि से दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी डेफिनेशन की बात करें कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा उसमें द्रव्यमान होता है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा उसमें द्रव्यमान होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ के लिए स्पेशल शब्द याद क्या करना था, द्रव्य। अब यहाँ से आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि इस पदार्थ को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करें। कितनी कैटेगरी में, दो, एक भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर। तो पहले हम लिख रहे हैं भौतिक प्रकृति के आधार पे, दूसरा रासायनिक प्रकृति या रासायनिक गुणों के आधार पे। भौतिक प्रकृति के आधार पे, दूसरा रासायनिक प्रकृति या रासायनिक गुणों के आधार पे। भौतिक प्रकृति के आधार पे आप जानते हो कि पदार्थ को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर एक, पदार्थ की ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। पदार्थ की ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कैसे गलत करवाएगा वो ये समझना। क्वेश्चन यहाँ पदार्थ की भौतिक अवस्था तीन होती है। एक तो क्वेश्चन यहाँ से देगा कि निम्न में से द्रव्य है, निम्न में से द्रव्य है। पहला ऑप्शन आपको दे देगा पानी, दूसरा आपको दे दिया बर्फ, तीसरा आपको दे दिया भाप और चौथा दे दिया आपको उपरोक्त सभी। अब यहाँ से आप समझते हो कि जल जब ठोस अवस्था में होता तब बर्फ होती है, गैस अवस्था में बोलते हैं भाप, और नॉर्मल कंडीशन पानी का मतलब लिक्विड अवस्था में होता है। तो हम क्या करते हैं, निम्न में से द्रव्य, जल्दीबाजी में एग्जाम के दौरान इसको द्रव्य न पढ़ के क्या पढ़ लेते हैं, द्रव, और इसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर ए करके आ जाओगे। जबकि द्रव्य का मतलब पदार्थ, तो ये सब पदार्थ, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, उपरोक्त सभी। कभी ऐसी गलती ना हो जाए इसलिए मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए। द्रव्य पदार्थ और द्रव का मतलब पदार्थ की एक भौतिक अवस्था, तो इसको आप नोट कर लेना। अब यहाँ से आपको क्लियर होगी, भौतिक प्रकृति के आधार पर हम पदार्थ को तीन हिस्सों में ठोस, द्रव और गैस कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि पदार्थ की भौतिक अवस्था कितनी है, तो सदैव इसका आंसर होगा तीन। लेकिन आप सभी जानते हो कि पदार्थ की चौथी जो अवस्था है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। क्या लिखा है, पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या नाम दिया है, प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था पदार्थ की कौन सी, पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC बेक। तो बिल्कुल क्लियर आंसर, पदार्थ की भौतिक अवस्था कितनी होती है, तीन।
बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए, यहाँ गलती ना कर दो। भौतिक अवस्था पदार्थ की कितनी होगी? तीन। ठोस, द्रव, गैस। हाँ, चला के क्वेश्चन पूछा जाएगी पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है। तो क्लियर होनी चाहिए इतनी बात। अब आते हैं रासायनिक प्रकृति के आधार पर। रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, शुद्ध पदार्थ प्योर और इम्प्योर, मतलब अशुद्ध पदार्थ। तो पहला लिखा हमने शुद्ध पदार्थ, रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ को शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में डिवाइड किया गया। अब यहाँ से आपका जो अच्छा क्वेश्चन बनता हुआ है कि शुद्ध पदार्थ आपके दो प्रकार के होंगे, एक तो होगा आपका तत्व, दूसरा होगा यौगिक। एक तो क्या होगा? तत्व होगा, और दूसरा क्या होगा? आपका यौगिक होगा। अब क्वेश्चन क्या आएगा, सवाल में देखा कि निम्न में से शुद्ध पदार्थ क्या है? तो जब भी कोई तत्व लिखा हो या यौगिक लिखा हो उसको हम क्या मानेंगे? शुद्ध पदार्थ। और दूसरा आता है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को हम किस रूप में काउंट करते हैं? मिश्रण। और आप जानते हो मिश्रण जो मिक्सर होता है, मिश्रण का मतलब मिक्सर बोलते हैं, जो दो प्रकार का होता है, एक तो होगा आपका समांगी मिश्रण और एक हम लिखते हैं विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मिश्रण है वो किस कैटेगरी में आता है? अशुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आएगा। और जो शुद्ध पदार्थ है, तत्व या यौगिक, अब आप जानते हैं कि तत्व को भी हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। चलो यहाँ लिख देता हूँ, तत्व को भी हम कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? तीन। पहला लिख दिया धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। तो ये बात तो किसकी हो गई? पदार्थ की। अब हम बात करेंगे तत्व के लिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए तत्व और यौगिक कैसे पदार्थ है। तो आंसर क्या होगा? शुद्ध पदार्थ। जैसे क्वेश्चन दूँ, सवाल समझते हैं कि निम्न में से शुद्ध पदार्थ है, निम्न में से शुद्ध पदार्थ है या, चलो इसको थोड़ा सा और मान लेते हैं, निम्न में से शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो पहला ऑप्शन मैंने लिख दिया यहाँ पे आपका नमक, दूसरा ऑप्शन मैंने लिख दिया बी ओजोन, तीसरा ऑप्शन मैंने लिख दिया पीतल और चौथा ऑप्शन लिख दिया उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन क्या लिख दिया? उपरोक्त सभी। अब जो निम्न में से शुद्ध पदार्थ नहीं है तो अशुद्ध के बारे में बताना। नमक क्या फॉर्मूला होता है? NaCl। तो नमक एक यौगिक है तो इसका मतलब ये शुद्ध हो गया। ओजोन O3 अणु होता है तो ये भी क्या हो गया? शुद्ध हो गया। अणु है जो तत्व से तो बना है तो ओजोन भी शुद्ध हो गया। पीतल क्या होती है? एक मिश्र धातु होती है और जो मिश्र धातु होती है वो कैसा मिश्रण होती है? समांगी मिश्रण होती है। मिश्र धातु कैसा मिश्रण होती है? समांगी मिश्रण होती है। इसका मतलब जो पीतल है वो मिश्र समांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण का मतलब अशुद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पीतल हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि निम्न में से शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो शुद्ध का मतलब सदैव बात होगी, उसमें मिलावट से यहाँ लेन देन नहीं है, यहाँ अंतर होगा तत्व और यौगिक से। तत्व और यौगिक से होंगे शुद्ध, और अशुद्ध पदार्थ की बात करेंगे तो सदैव याद करना मिश्रण। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फटाफट हम इसको वापस एक बार रिवीजन करते हैं, फिर हम तत्व वाले टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो बात करें, सबसे पहले ये बात में क्लियर होनी चाहिए पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं? द्रव्य या सब्सटेंस, इंग्लिश में मैटर भी बोलते हैं। परिभाषा बिल्कुल से क्लियर है कि वह वस्तु जो क्या करती हो? स्थान घेरती है और उसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। इसके बाद बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भौतिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ की भौतिक अवस्था कितनी होती है? तीन। कृष्ण कभी भी ऐसे पदार्थ की भौतिक अवस्था कितनी होती है? तो आंसर सर तीन होगा, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन चलाकर ये पूछ लिया जाए कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है तो आंसर क्या करोगे? प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था के बारे में पूछा जाए तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या लिखा है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ की पांचवी अवस्था। एक क्वेश्चन में नहीं आ जाएगा, निम्न में से द्रव्य है, द्रव्य पूछा है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा? पदार्थ। तो तीनों पदार्थ, तो आंसर क्या होगा इसका? उपरोक्त सभी। इसके बाद हम लिख रहे हैं रासायनिक प्रकृति के आधार पर। रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। जो शुद्ध पदार्थ होता है वो एक तो क्या होगा? तत्व, और दूसरा यौगिक। बिल्कुल माइंड में बिठा लेना ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, शुद्ध
पदार्थ होते हैं तत्व को तीन किटी में धातु है धातु धातु आप जानते हो। अशुद्ध पदार्थ की जब भी हम बात करेंगे तो किसकी बात होगी, मिश्रण और मिश्रण क्या होंगे। अशुद्ध पदार्थ होते हैं मिश्रण दो प्रकार के होते हैं समांगी और विश्वांगी। तो तत्व यौगिक और मिश्रण के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी समझा कि निम्न में से शुद्ध पदार्थ लास्ट में ये देख लेना नहीं है या है। बहुत बार गलती हम इसी में कर जाते हैं कि तो नमक यौगिक है, योजन अणु है, पीतल मिश्र धातु है, और मिश्र धातु होती है समांगी मिश्रण, इसका मतलब अशुद्ध पदार्थ। तो राइट आंसर क्या हो गया, पीतल। स्क्रीनशॉट आप ले लो। इसके बाद हम अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं, तत्व की बात करेंगे, एलिमेंट। अब सबसे पहले बात तो आती है कि तत्व होता क्या है, किसे कहते हैं, कितने हैं, और तत्व की परिभाषा कैसे लिखी जाती है, तत्व शब्द किसने दिया था, उन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तत्व एलिमेंट्स। देखो पहली बात तो तत्व क्या होता है, पहला किले शब्द है शुद्ध पदार्थ होता है, दूसरा समान परमाणु, एक समान परमाणु के समूह को हम क्या कह सकते हैं, तत्व कह सकते हैं। अब तत्व की परिभाषा में विशेष बात रखने की, तत्व को चाहे भौतिक विधि हो या रासायनिक विधि, भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते, कि तत्व खुद एक सरल पदार्थ है। तो तत्व की परिभाषा कह देंगे, वह शुद्ध पदार्थ जिसे भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते उसे हम तत्व कहते हैं। चाहे तो आप ये भी कह सकते हो कि एक समान परमाणुओं का समूह क्या कहलाएगा, तत्व कहलाता है। इसके बाद आप सभी जानते हो कि अब तक लगभग आवर्सारणी की बात कर लो, चाहे अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें से 92 जो तत्व होते हैं वो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर पाए जाते हैं, और 92 पर आपको क्या आता है, यूरेनियम आता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि ये जो तत्व होते हैं लास्ट वाले तत्वों में क्या होता है, रेडियोधर्मिता का तत्व गुण पाया जाता है जिससे ये विखंडित होते हैं, तो आवर्त सारणी का अंतिम स्थायी तत्व किसको मानते हैं, लेड मानते हैं। कितने तत्व गैसीय अवस्था में हैं, तो 11 तत्व गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इन सब के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा की तत्व के लिए। तो पहली बात क्लियर होना चाहिए कि वह शुद्ध पदार्थ जिसे भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता उसे तत्व कहते हैं। क्लियर है। वह शुद्ध पदार्थ जिसे भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। या एक परिभाषा में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक समान परमाणुओं का समूह है, एक समान परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। अब प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या या कुल तत्व हम आवर्त सारणी में कितने मानते हैं, 118 मानते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अभी तक कुल तत्व कितने हैं, 118 मानते हैं, जिसमें से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व कितने हैं, 92 जो तत्व होते हैं वो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इसके बाद आपको एक बात होना चाहिए कि अंतिम स्थायी तत्व, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि जो रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं वो विखंडित होकर लास्ट में किस में परिवर्तित होते हैं। तो अंतिम स्थायी तत्व
हम किसको मानते हैं, लेड को मानते हैं। लेड का परमाणु क्रमांक होता है 82, प्रतीक होता है पीबी, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अंतिम स्थायी तत्व हम किसको मानते हैं, लेड को मानते हैं, और उसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 82 होता है। इसके बाद देखो कुछ विशेष बात है कि तत्व शब्द किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। और तत्व शब्द किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। और तत्व की जो परिभाषा है वो एंटोनी लेवासियर ने दी थी। एंटोनी लेवासियर नाम सुना हुआ है। विशेष क्वेश्चन नहीं आ जाता कि तत्व शब्द किसने दिया, रॉबर्ट बॉयल ने। और तत्व को परिभाषित किया, तत्व को परिभाषित, तत्व को परिभाषित किया तो क्या लिखोगे, एंटोनी लेवासियर। अब यहां से एक सिर्फ क्वेश्चन आता है कि तत्व के प्रतीक किसने दिए। देखो तत्व के प्रतीक सबसे पहले दिए थे डाल्टन ने, लेकिन डाल्टन वाले प्रतीकों में उस समय तत्वों की संख्या भी काफी कम थी और कुछ कंफ्यूजन भी तक डायग्राम के रूप में उन्होंने दिया था। उसके बाद अपनी बात हुई कि जो बर्जिलियस के प्रतीक है वो आईपीसी पद्धति के अनुसार है। तो कभी भी प्रश्न आ जाएगी तत्व के मान्य प्रतीक किसके होते, बर्जिलियस के। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि बिल्कुल शुद्ध के लिए उनसे, तत्वों के प्रतीक किसने दिए, बर्जिलियस ने। तत्वों के प्रतीक क्या लिखा हमने, बर्जिलियस। मुझे लगता है यहाँ कोई कन्फ्यूजन होगा, तत्वों के प्रतीक बर्जिलियस ने। प्रयास सबसे पहले डाल्टन ने किया था। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि ये डाल्टन के अनुसार ये डाल्टन ने ये कौन से तत्व का प्रतीक दिया था, हाइड्रोजन का। इस प्रकार से कुछ बनाए थे, तो ये बिल्कुल आप याद कर लेना, क्योंकि नॉर्मल प्रतीक तो आप जानते हो, लेकिन डाल्टन के प्रतीक, डाल्टन ने जो तत्वों के प्रतीक दिए थे, तो वहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आपकी स्क्रीन पर एक पेज नज़र आ रहा होगा, उसमें डाल्टन के द्वारा दर्शाए गए तत्वों के प्रतीक है वो आपके सामने हैं। इनको लिखकर बिल्कुल अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना, जिससे कोई गलती होने की संभावना ना रहे। तत्वों के प्रतीक हो गए। इसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं कि आवर्त सारणी में 11 तत्व ऐसे हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में कितने तत्व, 11 तत्व ऐसे जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएगा कि निम्न में से कौन सा तत्व गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो बात करें 11 तत्व क्या लिखा है, गैसीय अवस्था में। आवर्त सारणी में जितने तत्व है उनमें से कितने तत्व, 11 तत्व गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अब कौन कौन से हम उनकी बात कर लेते हैं। देखो छात्र अक्रिय गैस है, आवर्त सारणी का वर्ग नंबर 18, अक्रिय गैसें कितनी होती है उसमें, 6। कौन कौन से हम बात कर लें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन, ये आवर्त सारणी में पाए जाने वाले 6 अक्रिय गैसें हो गई। इसके अलावा 5 और बच गई, तो ये आप सब जानते हो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। ये जो 11 तत्व मैंने लिखे हैं वो प्रकृति में कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 काउंट कर लेते हैं, गलती ना हो जाए। तो उम्मीद है ये तत्व के बारे में हमने शुरुआती कुछ बातें की है। इसके बाद कुछ तत्व के लैटिन नाम दिए हुए हैं, और उसके अलावा कौन सा तत्व भूपट्टी में कितना पाया जाता है, मानव शरीर में कौन सा ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा कम पाया जाता है। प्लस कुछ तत्व इस प्रकार के होते हैं, जैसे आप सभी जानते हो कि 1 से लेकर 30 तक की परमाणु क्रमांक तो हमें वैसे भी एजेटिव याद होने चाहिए, लेकिन उसके आगे वाले भी तत्व होते हैं, जैसे यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, टंगस्टन का कितना होता है, मरकरी का कितना होता है, सोने का कितना होता है, चांदी का कितना होता है। तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, उनकी हम बात करेंगे। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, एक बार फिर से देख लें। हमने स्टार्ट क्या किया था, तत्व क्या किया, तत्व। पहली बात तो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि तत्व कैसा पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है, कहीं गलती नहीं होगी, तत्व शुद्ध पदार्थ है। दूसरी बात, तत्व को हम भौतिक एवं रासायनिक विधियों के द्वारा सरल पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन तोड़ ही नहीं सकते, हीलियम है नहीं, तो तत्व को भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा विभक्त नहीं कर सकते। इसके अलावा एक समान परमाणु के समूह को भी हम क्या बोल सकते हैं, तत्व। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं, अभी अभी तक कुल कितने तत्व पाए जा रहे हैं, 118।
प्राकृतिक रूप से, ये नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। कितने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व कितने, 92 है। अंतिम स्थायी तत्व किसको मानते हैं, लेड को मानते हैं, परमाणु क्रमांक 82 है। तत्व शब्द किसने दिया, रॉबर्ट बॉयल ने दिया। तत्व को परिभाषित किसने किया, एंटोनी लेवासियर ने किया। तत्व के प्रतीक किसके मान्य हैं, माने जाते हैं, बर्जिलियस के। और 11 तत्व कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, इसके बाद हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम बात करें, देखो ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार पूछा गया, कुछ तत्वों के लैटिन नाम, कुछ महत्वपूर्ण तत्व है जिनके हमें लैटिन नाम आने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पुटअप किया गया है। तो लिखते हैं यहाँ पे, कुछ तत्वों के लैटिन नाम, क्या लिखा है, कुछ तत्वों के लैटिन नाम। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं सोडियम की, सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है, तो थोड़ा इधर ले लेते कि और भी तत्व आ जाएंगे। सबसे पहले क्या लिखा मैंने, सोडियम, सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है, नेट्रियम होता है, इसको एन ए की दवा लिखते हैं। फिर हम बात करें यहाँ पे पोटेशियम, पोटेशियम का लैटिन नाम केलियम, के ए। फिर बात की है लोहा, लोहे का होता है फेरम, रिप्रेजेंट करते हैं एफ ई से। इसके बाद आपकी चांदी, या जिसको आप क्या बोलते हो, सिल्वर, सिल्वर का लैटिन नाम अर्जेंटम, सिल्वर का लैटिन नाम अर्जेंटम, ए जी। फिर सोना, गोल्ड, इसका लैटिन नाम क्या होता है, ओरम, ए यू। मुख्यतः इन पांच की बात होती है लैटिन नाम में। बात करें सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम, पोटेशियम का केलियम, लोहे का फेरम, सिल्वर का अर्जेंटिनम, और सोने का हमने क्या लिखा है, ओरम। इसके अलावा भी कुछ तत्वों की हम बात करें, जैसे तांबा, तांबे का होता है क्यूप्रम, तांबे का क्यूप्रम, इसे रिप्रेजेंट करूँगी सी यू से। फिर आता आपका टिन, इसका होता है स्टेनम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस एन। फिर एक होता आपका एंटी मनी, इसको लिखते हैं स्टेबोनियम, स्टेबोनियम एस बी। इसके बाद मरकरी, मरकरी हाइड्रे जीरम एच जी। एक होता आपका लेड, प्लम, प्लम्बम पी भी। मुख्यतः पांच याद करनी है, इसके बाद आपको इनको भी याद करना है। तो हमने क्या लिखा है, कुछ तत्वों के कौन से नाम लिए हमने, लैटिन नाम लिए, बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए। प्रत्येक साथ में आपको याद हो गए कि सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम, पोटेशियम का केलियम, लोहे का फेरम, सिल्वर का अर्जेंटम, सोने का ओरम, तांबा जिसको आप कॉपर बोलोगे क्यूप्रम, टिन का स्टेनम, एंटीमनी का स्टेबोनियम, मरकरी का हाइड्रोजीरम और लेड का प्लम्बम। अब बात आती है कि आपने सुना होगा टंगस्टन, वुल्ली फोरम बोला जाता है, ये इसका ग्रीक नाम होता है टंगस्टन का, तो ये आपने नोट कर लो इसके बाद। और विशेषकर ये पांच से इन्हीं से ज़्यादा का लैटिन नाम आपको पूछ लिया जाता है, और ये मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको आसानी से याद होगी। इसके बाद जो आप आगे बात करें, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अभी वो दो तीन क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे पूछते हैं कि जो मैं आपको चीज़ें बता दूं, कि बात करें यहाँ पे कि सबसे पहले भूपटल, एक और एक तो होता है भूपटल, एक होता है वायुमंडल। यहाँ से क्वेश्चन समझना है कि भूपटल, भूपटल में सर्वाधिक, भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, क्या लिखा हमने, भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व। भूपटल में पृथ्वी की ऊपरी सतह है, तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन, नंबर दो पे सिलिकन, नंबर तीन पे एल्यूमिनियम,
नंबर चार पे लोहा और नंबर पाँच पे केलियम कैल्शियम पाया जाता। तो भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ये लगभग 46.6% होता है, परसेंटेज थोड़े 19-20 हो सकते हैं। दूसरा सिलिकन 27.7%, तीसरा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एल प्रतिशत जानती हो आप, एल्यूमिनियम होता है आपका 8.1%। नंबर चार पे आता है आपका लोहा 5%, और नंबर पाँच की अगर हम बात करें, क्या लिखा है मैंने, कैल्शियम। नंबर पाँच पे क्या लिखा है, कैल्शियम, और जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो 3.2% होती है। अब क्वेश्चन क्या होते हैं वो समझने की कोशिश करना, यहाँ गलती नहीं करनी। देखो प्रतीक जानती हो, ऑक्सीजन को ओ लिखेंगे, ओ टू के रूप में रिप्रेजेंट किया, सिलिकन का एस आई, एल्यूमिनियम को ए एल, लोहे का एफ ई, कैल्शियम का सी ए। ये सभी तत्व है, प्रश्न आ जाए आवर्त सारणी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। लेकिन तत्व को हमने डिवाइड किया धातु और अधातु में, धातु और अधातु में। तो देखो यही मैं क्वेश्चन पुटअप करता हूं, यहां साइड में लिख देते कि पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा ऑक्सीजन, दूसरा मिलेगा आपको ऑप्शन लोहा, तीसरा मैंने लिख दिया यहाँ पे सिलिकन, और चौथा ऑप्शन मैंने लिख दिया एल्यूमिनियम। अब समझना क्या है कि ऐसे सवालों में हम जल्दीबाजी में गलती कर बैठते हैं, कि सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपको पूछा क्या गया, धातु पूछी गई, तत्व नहीं पूछा गया। अगर ये होता कि भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तब तो इसका आंसर क्या होता, ऑक्सीजन। आपसे क्या पूछी गई, धातु। अब देखो ऑक्सीजन क्या होती है, अधातु, सिलिकन उपधातु होती है, और धातु की बात करें तो क्या होता है, एल्यूमिनियम लोहा, ये क्या होती है, सिलिकन उपधातु, लोहा धातु, कैल्शियम क्या है, धातु। तो जो क्वेश्चन बन गया कि अगर आपको सर्वाधिक मात्रा में तत्व पूछा जाए, भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है, तो चाहे धातु हो या अधातु, तत्व तो रहेगा, तो तत्व के रूप में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगर आपसे अधातु पूछे तो भी आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। लेकिन अगर आपको सवाल में क्या पूछा है, धातु, तब आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम। बहुत से लोग इस लोहे को मानते हैं, लोहे तो बेटा पूरी पृथ्वी की बात है, हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, हम केवल किसकी, भूपटल की बात करें, तो भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, एल्यूमिनियम, आंसर डी हो जाएगा कि पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आंसर क्या लिखोगे, एल्यूमिनियम। इसी प्रकार से देखो हम बात करें मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व, इसी क्वेश्चन को घुमा दिया और पूछ लिया मानव शरीर में, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तब आंसर क्या करोगे, देखते हैं। देखो देखो सबसे पहली बात है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन है, और ये लगभग 65% है। कितने प्रतिशत पर पाया जाता है, ये 65% है। फिर नंबर दो पर जो तत्व आता है वो आता है आपका कार्बन, नंबर दो पर क्या आएगा, कार्बन। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। नंबर दो पर कार्बन 18.5% होता है। नंबर तीन पे आता है आपका हाइड्रोजन, जो होता है 9.5%। नंबर चार पे हम लिखते हैं नाइट्रोजन, नंबर चार पे क्या आ गया आपका, नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा होती है 3.2%, 100% में ये। और पांच पे देखो ये आ गया कैल्शियम,
आप जानते हो कैल्शियम धातु होती है वो पा जाता है 1.5%, और 6 नंबर पर हम लिख रहे हैं यहाँ पे फॉस्फोरस जो पाया जाता है 1%। तो यहाँ से आपकी ये बातें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व की मात्रा की बात करें तो सीधी सी बात है कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व होगा, ऑक्सीजन होगा, और हमें पता है ये क्या होती है, अधातु। दूसरे नंबर पर कौन पाया जाता है, कार्बन। तीसरे नंबर का तत्व हाइड्रोजन। चौथे नंबर का तत्व नाइट्रोजन। लेकिन जब धातु की बात करें कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कैल्शियम। तो क्वेश्चन में ऐसी कहीं जल्दीबाजी में गलती ना हो जाए, समझ में आ गया होगा। हाँ, तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन, अधातु पूछेगा तो ऑक्सीजन, लेकिन धातु पूछ रहा है और मानव शरीर की बात कर रहा है तो आंसर क्या होगा, कैल्शियम। ये सब तत्वों से रिलेटेड है तो क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। अब देखो आप आगे बात करें कि ये तो हुआ यहाँ पे, अगर आपसे वायुमंडल में पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए वायुमंडल में, देखो बात करें वायुमंडल में, तो वायुमंडल में आप सब जानते हो कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ये लगभग 78% होती है। और दूसरे नंबर पर कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन, जो लगभग 21% होती है। और तीसरे नंबर पर देखो यहाँ पर भी हम गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हमने जब भी पढ़ते हैं वायुमंडल में गैसें तो आप बोलते हो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ याद करना है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में तत्व भी पूछ ले या गैस बोलते तो नाइट्रोजन हो जाएगी, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर जो गैस आती है वो होती है AR आर्गन। बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, तीसरे नंबर पर जो गैस पाई जाती है वो क्या है, आर्गन है, जिसकी मात्रा 0.93 होती है, 0.93। तो वायुमंडल में तीसरे नंबर पर कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा आर्गन, 0.93। और चौथे नंबर की बात करें तो फिर आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो विशेषकर ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि वायुमंडल में तीसरे नंबर की गैस, वायुमंडल में तीसरे नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आर्गन, 0.93। हाँ, ध्यान रखें अगर आपसे CO2 की मात्रा पूछी जाए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, 0.03%। इसमें भी गलती ना हो जाए कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होती है, तो आंसर होगा 0.03। हाँ, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको पता है कि सूर्य में 71% है वो हाइड्रोजन होता है, और 26% है वो आपका हीलियम होता है। तो पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है अगर वो पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या लिखना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2। क्लियर होगी बात। तो उम्मीद है कि ये जो चीज़ें मैंने बताई होगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं, यहाँ पर बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं, और आपने इस टॉपिक को एक बार समझ लिया, क्योंकि मैंने ये कहा कि अगर आप शुरू से लेकर लास्ट क्लास को अटेंड कर लोगे तो उस टॉपिक के जितने भी डाउट है वो आपके सब क्लियर हो जाएंगे, और एग्जाम में चाहे कैसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछे जाए वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो वो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं होती है, बिल्कुल चीज़ें बता दी है मैंने। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो, तत्वों का परमाणु क्रमांक, उनका प्रतीक और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसके बाद कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, 1 से लेकर 30 तक के तत्व या 1 से लेकर 20 तक के तत्व के नाम, परमाणु क्रमांक, बत्ती की याद कर लेते हैं, लेकिन आजकल की कंपटीशन एग्जाम में जो कुछ क्वेश्चन है वो आगे की एग्जाम के भी पुटअप कर लिए जाते हैं, तो विशेषकर हम बात करेंगे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो हम बात करें टॉपिक को समझते हैं, इसके बाद देखो तत्वों के
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लें तो परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक जितने भी तत्व है उन सबका आपको नाम, प्रतीक और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। और उसमें विशेषकर कॉपर और क्रोमियम, कॉपर और क्रोमियम आपको स्क्रीन पे एक पेज नज़र आ रहा होगा, उसके अंदर 1 से लेकर 30 तक के तत्व के नाम, उनका प्रतीक और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ क्रमांक भी है। और विशेषकर उसमें मैंने क्रोमियम और कॉपर वाली लाइन को थोड़ा सा ब्लैक या बोल्ड किया हुआ है, तो जिससे साफ पता चल जाएगा कि ये दोनों आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ आगे वाले तत्व की बात कर लेते हैं जिनके हमें पता होने चाहिए नॉर्मल कुछ बढ़ के। तो देखो हम यहाँ पे बात करें कुछ और महत्वपूर्ण तत्व, कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की बात कर लेते हैं। देखो कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के प्रतीक और उनका परमाणु क्रमांक भी साथ में रखेंगे। महत्वपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के प्रतीक, देखो 30 तक तो आपने याद किया, 31 पे आता आपका गैलियम, 31 पे आता गैलियम जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, जी ए से। 32 पे आता आपका जर्मेनियम, जर्मेनियम का जी ई, 32 पे आता है जर्मेनियम। अब आपने पढ़ा आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 17 हैलोजन वर्ग, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो 35 नंबर पर, क्रमवाइज नहीं चलेंगे, मेन मेन की बात करें, 35 नंबर पर आता है आपका ब्रोमीन, ब्रोमीन को किससे लिखते हो, बी आर से। 42 नंबर पर आता है आपका मोलीबडेनम, एम ओ। देखो 42 नंबर पर मोलीबडेनम, ये जो जितने भी तत्व लिख रहा हूँ इनका विशेष कहीं ना कहीं विशेष पर्टिकुलर उपयोग है, इस कारण ये इंपॉर्टेंट है, मोलीबडेनम एम ओ, बाद में बात करेंगे। इसके बाद आपका 47 पे आता है सिल्वर जिसको आप किसे रिप्रेजेंट करते हो, एज से। फिर 53 नंबर पर आपकी आती है आयोडीन, आयोडीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। 53 नंबर पर हमने क्या लिख दिया, आयोडीन। इसके बाद देखो विशेष आपने ये पढ़ाया बहुत बार, 14 नंबर पर आपका क्या आता है, टंगस्टन, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्लू से। 79 पे आता है आपका गोल्ड जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ए यू से। 80 पे आता है आपका मरकरी जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, एच जी से। 82 नंबर मैंने अभी थोड़ी देर बताया था आपको लेड, लेड को रिप्रेजेंट करेंगे पी बी से। फिर 90 नंबर पे आता है थोरियम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं टी एच से। 92 पर आता है आपका यूरेनियम, यूरेनियम का लिखा जाता है किससे, यू से। और एक और इसमें रह गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ 43 जिसको हम बोलते हैं टेक्नीशियम, क्या कहते हैं, टेक्नीशियम टी सी। तो ये जितने मैंने लिखे हैं, मैंने ज़्यादा नहीं लिखे हैं, लेकिन इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा देखो एक जैसे प्लेटिनम का नाम सुना है वो आता है आपका 78 पे, यहाँ लिख देता हूँ 78 पर प्लेटिनम, प्लेटिनम को मैंने लिख दिया पीटी। तो ये जो मैंने परमाणु क्रमांक लिखे हैं 30 के अलावा ये एजिटीज आपके माइंड में होने चाहिए। देखो एक बार 31 पे क्या आता है आपका गैलियम जी ए, 32 पे जर्मेनियम जी ई। मैं बार बार साथ में इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको भी ये याद हो जाए, तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 31 नंबर पर गैलियम जी ए, 32 पे जर्मेनियम जी ई, 35 पे ब्रोमीन बी आर, 42 पे मोलिब्डेनम एम ओ, अब 47 पर सिल्वर ए जी, 53 पर आयोडीन आई, 43 टेक्नीशियम टी सी, 74 पर टंगस्टन डब्लू, 79 पर गोल्ड ए यू, 80 पे मरकरी एच जी, 82 पर लेड, 90 पर थोरियम, 92 पर यूरेनियम, 78 पर प्लेटिनम आता है। अब यहाँ से मैं 2-3 बातें और कर लेता हूँ, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे फिर क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखो एक तो आप सुनते हो कि प्रकृति में कौन से दो तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, प्रकृति में कौन से दो तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो देखो यहाँ बात कर रहे हैं तत्व की, और तत्व भी कौन से तत्व की बात कर रहे हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाए। तो ऐसे प्रकृति के अंदर कितने तत्व है, दो तत्व है, तत्व लिखा मैंने, धातु है, धातु की बात नहीं की है, समझना बिल्कुल, तत्व है। तो एक तो होता है आपका मरकरी जिसको आप बोलते हो पारा, और दूसरी होती है ब्रोमीन,
प्रत्येक समय ने साइड में दे, दूसरा क्या लिखता हमने ब्रोमीन। तो प्रकृति में दो तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, 11 गैसीय अवस्था में वो बातें होगी थी। तो दो तत्व मरकरी जिसको आप पारा बोलते हैं, दूसरा ब्रोमीन। अब यहाँ से ये भी क्लियर होना चाहिए कि जो मरकरी है जो पारा होता है, मरकरी है जो पारा होता है वो क्या है धातु, और ब्रोमीन क्या होती है आपकी अधातु। अब क्लियर है कि निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है, तत्व बोला है तो आंसर होगा मरकरी और ब्रोमीन, ऑप्शन में जो भी हो। लेकिन आपसे ये पूछे कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आंसर क्या करोगे मरकरी, और कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है तो ब्रोमीन। जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो वो क्या करता है, इस धातु और अधातु के चक्कर में आपसे क्वेश्चन गलत करवाना चाहता है, और जल्दीबाजी में हम धातु और अधातु को नहीं देखते और क्वेश्चन गलत कर बैठते, समझ में आ गई। इसके अलावा अब देखो यहाँ पर मैंने एक तो लिखा है गैलियम, क्या लिखा है गैलियम, और एक 55 नंबर पे आपका आता है सीजियम सीएस। 55 नंबर पे क्या आता है सीजियम सीएस। देखो गैलियम और सीजियम रूम टेम्परेचर, देखो ये दोनों तत्व रूम टेम्परेचर का मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर या 27 डिग्री सेल्सियस को हम रूम टेम्परेचर मानते हैं, मतलब 300 केल्विन पर ये दोनों द्रव अवस्था में होते हैं। लेकिन ये जो दो तत्व मैंने लिखे कौन कौन से सीजियम और गैलियम, ये 303 केल्विन से ऊपर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं बिल्कुल। और विशेष क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि ऐसे कौन से दो तत्व है जिनको हथेली पर लेते ही पिघल जाते हैं, क्योंकि हथेली पर लगोगे तो इससे को अपने शरीर की थोड़ी सी उष्मा मिल जाएगी और उष्मा लेते ही पिघल जाते हैं। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपकी पॉइंट कि 300 को कि कमरे के तापमान से क्वेश्चन नंबर कर दिया 303 केल्विन से अधिक, कमरे के तापमान से अधिक ताप पर गैलियम एंड सीजियम द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और इन दोनों के लिए अगर आप लाइन याद करना चाहो तो ये भी हो सकता है, इन दोनों को विशेष आता है कि हथेली पर लेते ही पिघल जाते हैं, हथेली पर लेते ही पिघल जाते हैं। क्लियर हो गई। जर्मेनियम आप सब जानते हो क्या होती है, उपधातु होती है सिलिकन और जर्मेनियम, ब्रोमीन है ये, मोलिब्डेनम इसका क्वेश्चन क्या आता है विशेष मोलिब्डेनम की बात करें, आपने हेबर विधि पढ़ी है N2+3H2O आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है और अमोनिया बनता है, तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए यहाँ MO का प्रयोग किया जाता है, और MO वो उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। MO इस अभिक्रिया में किसके रूप में कार्य करता है, उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। तभी तो मैंने कहा कि जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है उसका कोई ना कोई रीजन है। ये समीकरण कौन सी विधि के लिए होती है, हेबर विधि के लिए, हेबर विधि। तो हेबर विधि में MO मतलब मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। चांदी के लिए बताने की जरूरत नहीं है, आयोडीन आप जानते हो। हाँ, आयोडीन के लिए एक विशेष बात बता दो आपको, नॉर्मल जो धातु होती है उनकी सतह चमकदार होती है, लेकिन आयोडीन अधातु होते हुए भी इसकी सतह चमकदार होती है। इस आयोडीन के लिए हम यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं कि अधातु होते हुए भी चमकदार होती है, अधातु होते हुए भी क्या होती है, चमकदार होती है। टेक्नीशियम मानव निर्मित प्रथम तत्व किसको मानते हैं, हम टेक्नीशियम को मानते हैं, मानव निर्मित प्रथम तत्व, मनुष्य द्वारा निर्मित पहला तत्व किसको माना जाता है, किसको, टेक्नीशियम। तीसरी को माना जाता है टंगस्टन, प्रतीक W, इसका गलनांक है वो लगभग 3500 होता है, इस कारण से बल्ब लट्टू लोटिया का तंतु बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टंगस्टन का। तो बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए, बल्ब का तंतु बनाने में, क्लियर है। गोल्ड के लिए बताने की जरूरत नहीं है, मरकरी की बात आएगी, लेड एकदम स्थायित्व बता दिया, थोरियम और यूरेनियम
नाभिकीय ईंधन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। किसका? थोरियम और यूरेनियम का प्रयोग किसमें होता है? नाभिकीय ईंधन के रूप में, नाभिकीय ईंधन के रूप में थोरियम और यूरेनियम का प्रयोग होता है। प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में हम इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। कुछ विशेष बातें थी जो मुझे अच्छी लगी वो बता दिए। हाँ, एक चीज़ और हम बात कर लेते हैं कि आप सभी जानते हो कि अधातु होती है, ये लिख देता हूँ, अधातु धातु जितनी भी है विद्युत की सुचालक है, सॉरी धातु विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन अधातुएँ होती है वो विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है, जिनमें विद्युत द्वारा प्रवाहित नहीं होता है। लेकिन अधातु में कार्बन का अपर रूप क्या नाम आ गया? ग्रेफाइट। अधातु में कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो उम्मीद है ये आज वाली क्लास आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी और आपको जितना मैंने मैटर बताया था कंसेप्टली आपकी बहुत बिल्कुल क्लियर हुई होगी। अगर क्लास जरा सी भी अच्छी हुई है तो इसको ज़रूर जितने भी अपने साथी हैं उन सभी तक शेयर करें जिससे वो सब जुड़ सकें। तो बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ गई और इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, कुछ चीज़ शेष ना रह जाए। और इसको अगर आपने अच्छे तरीके से याद कर लिया तो तत्व वाला जो कंसेप्ट है वो अपना क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम यौगिक और मिश्रण की बात करेंगे और मिश्रण में तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।